परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब दे पावन दरबार अंदर बैठ के चाहे देश विदेश घरां विच बैठे सरवण कर रहे सत्कार योग सतसंगी जनों भावें कि रोजाना लड़ीवार पावन बाणी की विचार इस स्थान तो चलती है पर अज का पावन शब्द जो बारह महाबाणी माझ राग अंदर धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की उच्चारण की हुई है अज का पावन शब्द सत्कार योग भाई साहब होना ने सानू सारयां नूं सरवण करवाया है। पावन शब्द आपां सारयां ने सरवण किया है। ये पावन शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 135 उपर सुभायमान है। गुरदेव जी के अमोलक बचना की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत गुरु मर्यादा नूं मुख रखदिया होया फतेह की सांझ पाईए। सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने मनुखता दे उपर बहुत वड्डा पार उपकार कीता है कि कुदरत विच जिद्दां जिद्दां दा मौसम जिद्दां जिद्दां दीआं रुत्तां आईआं उन्हां सारिआं नूं मनुखी हिरदे दे उपर टुकाया है। जदों पत झड़दा समा आउंदा है दरख्तां दा शिंगार लै जांदा है पत्तियां तों सखणे हो जांदे ने हरियावल मुक जांदी है उसनूं वी मनुखी हिरदे नाल जोड़िया। जदों बसंत दी रुत्त आउंदी है एकदम नवीआं करूंबलीआं फुटदीआं ने दरख्तां ते शिंगार आउंदा है वह भी मनुखी हिरदे नाल जोड़िया। जदों पत झड़दा समा आउंदा है इहदे बारे इंज कह दिता कि जिहड़े मनुख सच नालों टुटे ने समझ लो उन्हां दी जिंदगी च पत झड़ है। जदों बसंत दी रुत्त आई इंज कह दिता नानक तिन्हां बसंत है जिन घर वसिया कंत। जिन्हां दे घर विच कंत वसदा समझ लो उन्हां वास्ते सदा ही बसंत है सदा ही वह हरियाली का आनंद माणदे ने। गुरु पिता महाराज जी ने जिहड़े वार ने उन्हां नूं भी सामने रख के बाणी उच्चारण की है। गुरदेव पिता महाराज जी ने हर पक्ष तों सानूं ज्ञान दिता है कि मनुख जिहड़ा है अपने सुभा नूं छड्ड बैठा है ते दूजियां दा सुभा लै के जिंदगी जीव रहा है। जो अज दा पावन बचन है आपां सांझा करना है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी शब्द की आरंभ वाली तुक विच कहिंदे ने पोख तुखार ना व्यापई। तुखार दा अर्थ है कूरापन। कूरा तुहानूं पता है आपां घरां विच बैठे भी सरवण कर रहे हैं ये दो महीने खास करके पोह ते अद्धा क माघ ज़्यादा कूरा पैंदा है ज़्यादा ठंड पैंदी है। साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने किन्नी प्यारी गल कही ते ये शब्द किसी एक इलाके वास्ते नहीं ये किसी एक श्रेणी वास्ते नहीं। गुरदेव पिता महाराज जी ने सामने रख के समुची लुकाई नूं उपदेश बख्शिश किया है। हुण पोह दा महीना ते अमेरिका विच भी उही होएगा फ्रांस विच भी उह होएगा बाकी देशां विच भी होएगा किते इसे महीने विच इसे मौसम विच गर्मी भी पैंदी होएगी किते कोरापन भी व्यापदा होएगा। ते शब्द ते महाराज दा समुची कायनात वास्ते ये ते सभे सांझी वार सदायन है सारयां नूं इको ही विचार बख्शिश करदा है। बार दे मौसम नूं मनुखी हिरदे ते गुरदेव ने टिकाया है। गल मनुखी हिरदे दी कीती है मौसम दी नहीं। साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ने पोख तुखार ना व्यापई। पोह महीने दे राही उपदेश उचारण करके एक मैसेज दिता है एक सुनेहा दिता है कि उन्हां मनुखां नूं कदी भी कोरापन नहीं व्यापदा कठोरता उन्हां दे जीवन विच नहीं व्यापदी
ਪਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਰਫ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਛੱਡ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਰਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਬਰਫ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਫ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਅਸਲੀ ਨੇਚਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆ ਰਾਮ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਠੋਰ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਠੰਡੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਵੇਂ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਘਲੇਗੀ ਪਿਘਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਈਆਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜਲ ਦਾ ਜਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਬਣ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਕਠੋਰ ਬਣੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਠੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਇਰਖਾਲੂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜਲ ਕਾ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ ਧੀਰਜ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਟੰਬ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਧੂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਪੀੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੁਭਨ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
इस संसार नू इस देश नू हलूणा देण वालियां व्यापियां ने शायद कोई दुनिया ते उदाहरण मिलदी ना होवे इसका मुकाबला करने वास्ते। छोटे वड्डे साहबजादे माता गुजर कौर जी अनेक महान गुरसिख शहादत का जाम पींदे ने। एक बने पंछी भी अपने बच्चों का यह दर्द नहीं सहारदे। दूसरे पासे कैसा अंदर उन्होंने दया धर्म सत संतोख पैदा हो गया। मामा अपने बच्चों के टुकड़े करवा के गला च हार पवा के भी सिखी नूं पिठ नहीं विखाउंदियां। किदां दा उन्हां दे अंदर जज्बा। मनुख अपने बच्चों लई दुकाना बिजनेस व्यापार वारदात अपने बच्चों तो वेख्या है, पर पहली बार दुनिया ने मूँह विच उंगलां पाईयां होणगियां जदों असूलां तो सिधांत तो सच्चाई तो कोई अपना परिवार भी वारदा होवे। परिवारों तो बहुत कुछ वारिया जाता है, बहुत कुछ सिद्धांत भी वारे जाते हैं, अज हो रहा सब कुछ। मैं कहना सारियां नूं सीखना चाहिए। एक बेनती होर करनी चाहवा, तवज्जो दे के सुनना। किसी नेता का बच्चा फड़िया जाए, अरैसट किया जाए, वड्डे तो वड्डा समझौता कर लेगा भावें कौम ही वेचनी पवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे सर अपने बच्चे छुड़ाने लई हर हीला वरतेगा। मेरे बच्चे आंच ना आवे, हो सकता असूल भी छड़ने पै जाण। पागा वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साहबजादे छोटे माता गुजर कौर बुजुर्ग माता सरहंद की धरती से है, उन्हें सामने टारगेट निशाना यह नहीं कि मैं अपने बच्चे वजीर खान के कोलों छुड़ाने ने, निशाना तो कोई होर है, अगे जाना चाहते ने। जो ये करना चाहते की नहीं सी कर, सब कुछ कर सकते सी, सारी ताकत के मालिक ने पातशाह जी। पर दुनिया नूं सिखाया है, दुनिया के लोगों इस मोह तो उपर उठ के जिंदगी जूनी सीखो। बच्चे पालने साड़ियां जिम्मेवारियां ने, परिवार पालने साड़ी जिम्मेवारी है, पर इन्हां भी मोह विच ना फस जाओ भी लोगों के घर तबाह कर करके अपने घर नूं भरी जाओ। इन्हां भी अगे ना जाओ, होना कुछ नहीं, बस चार दिन। बाणी च लिखे है ना, रहो रहो रे बहुरिया, बाबे कबीर ने कहा रहो रहो रे बहुरिया घूंघट जिन काढ़े। कहते अंत की बार लहेगी ना अड है। कहते हे जीव स्त्री हे जिंदे तू सच वाले बने हो, कुंड कड़ा हो कड़िया होया है, रहो रहो रे बहुरिया। हे जीव तू सच वाले बने हो, कुंड कड़िया होया है, झूठ वाले बने तू नंगा होके नच रहे हैं, तू परवाह ही नहीं करता। रहो रहो रे बहुरिया घूंघट जिन काढ़ा है, अंत की बार लहेगी ना अड। फिर भी कहता घूंघट काढ़े की यह बेडाई, जे तू चार दिन घूंघट काढ़ लिया सच वाले बने हो ते झूठ वाले बने माड़े काम करता रहा, बस दुनिया के लोग कहणगे ये बड़ा वधिया बंदा सी। दो चार दिन कहणगे, दो चार दिन, सिर्फ दो चार दिन, इस तो वध के कुछ नहीं। घूंघट काढ़े की यह बिडाई, दिन दस पांच बहू भाले आई, चार दिन कहणगे बड़ी बहू चंगी है भी घूंघट काढ़ के रख दी है। इत्थे नौ नूं नहीं किया, इत्थे इस जीव रूपी स्त्री नूं किया, तू परमात्मा वल्लों घूंघट कढ़िया, तू सच्चाई वल्लों घूंघट कढ़िया। घूंघट कढ़ना सी तां कढ़दा क्रोध वल्लों, झूठ वल्लों, ईरखा वल्लों, नफरत वल्लों, कठोरता वल्लों, तू ते अपने बापू वल्लों ही घूंघट कढ़ लिया। दिन दस पांच बहू भाले आई घूंघट, हां जे घूंघट कढ़ना तो आ कढ़, घूंघट तेरो तो पर सच है, घूंघट तेरा यह सचा है, हर गुण गाए कूदे हर नच। असली घूंघट यह है तू बुरिया आदतों वालों घूंघट कढ़ ते सच्चाई वाले बने तुर, तेरी जिन तेरा जिहड़ा मन है ये असली रूप विच आ सके, ज्योति जोत रली बाली बन सके, संपूर्ण थी आ तेरी जिंदगी, संपूर्ण हो सके तेरी जिंदगी, कामयाब हो सके। कितनी प्यारी विचार बख्शिश की सानू, कितना प्यारा उपदेश बख्शिश किया। ते गुरु अर्जन साहब महाराज कहते पोख तुखार ना व्यापई, उन्होंने कठोरता नहीं व्यापदी। किन्हां महाराज कंठ मिलिया, कंठ कहते ने गले नू, गले का संबंध है आवाज नाल, आवाज विचों की निकलता है शब्द, शब्द मीनिंग सिखिया। जिन्हां दा हिरदा गुरु की सिखिया नाल एक मिक हो गया, कंठ दा अर्थ है सिखिया, उपदेश
शब्द विचार ज्ञान कंठ मिलिया हर ना जिन्हां दे हिरदा उस ना नाल खसम नाल परमात्मा नाल मिल गया उन्हां दा मन कदी बर्फ की तरह कठोर नहीं हुंदा वह फिर लोकां दे काम आउण वाला बन जाता है। भगत कबीर जी ने ताई ते बाणी च कहा सी कहिंदे जिहड़ी मेरी मां मैनू सच दे रस्ते ते तुर नहीं सी दिंदी। समझ लैणा मां मां किहनू कहा इह आपां बाद विच समझदे हां। बहुतियां ने ते मां समझिया जिहड़ी जन्म देण वाली मां है बाबा कबीर जी उहनू कह रहे ने। बाबा कबीर जी कहिंदे मुई मेरी मां आई हां खरा सुखाला। हुण सीधे अर्थ ते बणदे बाबा कबीर जी कहिंदे जदों दी मां मर गई मैं सौखा हो गया। की दुनिया ते कोई बच्चा मां मरिया सौखा हुंदा है? जे शब्द नूं आपां समाज ते लाईए गल बनदी है भला भी जदों मां मर गई बच्चा भले हो। जदों मां चढ़ाई कर जाए बच्चे नूं जो आनंद मां दी गोद विच्चों मिलदा है लख ताइयां चाचियां होण ओह मिलदा नहीं बचा भावें जतन विचारियां बहुत करदियां ने। मां छिल भी ला दिंदी है तां वी उहदे झिड़कण विच वी प्यार छुपिया होया है। पर इत्थे ते बाबा कबीर जी कहिंदे ने मुई मेरी मां आई हां खरा सुखाला। जदों दी मां मर गई मैं ते सौखा ही हो गया। इन्हां शब्दां दे भाव अर्थ समझणे पैणगे। जिहड़ी उत्थे भी आया ना मुस मुस रोवै कबीर की मां आई उत्थे भी जन्म देण वाली मां नहीं रो रही। उत्थे भी भैड़ी मत रो रही है मां जिहड़ी बड़ी खुश हुंदी सी बुरे काम कीतियां शरीर रूपी मां की गल तो की नहीं। बहुतिया ने तो संसार की मां से शब्द टुका छे ने। बाबा कबीर जी कहते ने मुई मेरी मां आई हां खरा सुखाला पैरों नहीं दगली लगे ना पाला पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना पैरों नहीं दगली। हुण मैं वह गोदड़ी नहीं पाउंदा पैरों नहीं दगली। दगली दा अर्थ है कुर्ता गोदड़ी वर्दी। हुण मैं शरीर रूपी गोदड़ी नहीं पहनदा भाव शरीर दे पिछे नहीं लगदा पैरों नहीं दगली लगे ना पाला। हुण मेरे मन नूं वकारां दा पाला नहीं लगदा क्योंकि कंठ मिलिया हर ना। मां मर गई केड़ी मां मर गई भैड़ी मत मर गई भैड़ियां विचारां मर गईयां भैड़े ख्याल मर गए भैड़ी सोच मर गई। जन्म देने वाली मां नहीं वह तो जिंदी रवे। इत्थे माड़ी मत की गल कही माड़ी सोच की गल कही तो जदों माड़ी मत मर गई तो फिर एक नवी मां ने जन्म लिया जिहड़ी गुरु की मत सी जिहड़ी गुरु की मत सी। ताहीं तो बाबे कबीर ने कहा पहली कुरूप कुजा तुकुलखणी सहजे। जिहड़ी हर वक्त मेरे को माड़े काम कराउंदी सी बुरे काम कराउंदी सी पहली कुरूप कुजा तुकुलखणी सहुरै पईऐ बुरी अब की सुरूप सुजान सुलखणी सहजे उधर तरी। किते मत नूं इस्त्री नाल संबोधन किया किते मत नूं मां नाल संबोधन किया किने किने प्यारे उपदेश दे दे के सानूं समझाउण दा यतन किया है। जदों दी मेरे कोले सोहणी मत आई है सोहणी विचार आई है मैनूं एक हौसला दिता कि अपने बाप नाल जुड़। बाप दिलासा मेरो कीना मेरे बापू ने हुण मैनूं दिलासा दे दिता है। ते पागां वाले दिलासा दे ही हो सकदा है जिहड़ा आप हौसले विच होवे। डोलिया होया बंदा कदी दिलासे नहीं दे सकदा दे सकदा है? आप डोलिया होया बंदा किवें दिलासा देवेगा? बाप दिलासा मेरो कीना सेज सुखाली मुख अमृत दीना। हिरदे दी सेजा सौखी कर दिती ते मुख विच अमृत पा दिता मुख विच अपनियां विचारां पा दित्तियां सोहणे ख्याल पा दित्ते। पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर ना सेज सुखाली मुख अमृत दीना। मुख विच अमृत पा दिता सोहणियां विचारां दे दित्तियां। तिस बाप को क्यों मनो विसारी मैं ऐसे बापू नूं मनो क्यों भुलावां आगे गया
ना बाजी हारी आउण वाला अगे गया दा अर्थ है आउण वाले समय च मैं मनुखा जन्म दी बाजी हारना नहीं चाहुंदा मैं अपने प्यो दी बां क्यों छड्डां मैनू समझ आ गई जदों बापू दी बां छड्डदा मन कठोरता विच आ जांदा जदों पिता दी बां फड़दा हां उदों मेरा मन असली रूप विच आ जांदा जिहड़ा परमेश्वर ने मैनू बनाया सी तिस बाप कहो क्यों मनो विसारी आगे गया ना बाजी हारी बल तिस बाप है बल दा अर्थ है बलिहार जाना ऐसे बाप तो बल तिस बाप है जिन हो जाया मैं ऐसे बापू तो बलिहार जाना जिन्हें मैनू पैदा किया बापू कौन है अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु हुण ध्यान मारियो जिन्हां ने संसार दे बंदियां नूं ही बापू बना लिया भी साडे वास्ते सब कुछ इहो है पर बहुतियां ते बंदियां नूं ही बापू बना लिया ना उन्हां दा सरदा ही नहीं देवी देवतियां तो बिना नहीं सरदा बाबियां तो बिना नहीं सरदा वो ते गुरु की हजूरी विच भी रब दे दर्शन करने सास ने तुहाडे सामने बैठा इंज भी कह दिंदे ने पता नहीं किवें जुबान विचों लफ्ज़ निकल जांदे एक बेनती होर कर दवां बाणी दा फैसला है जिहड़ा जन्म लैके आ जाए वह रब नहीं जिन्हों जन्म लैण वाले नूं तुसीं रब कहिंदे होर जो कुछ मर्जी हो सकता पर रब नहीं हो सकता बाणी दा फैसला सो मुख जल है जित कै ठाकुर जूनी वह मूंह सड़ जाए उस मूंह विच दो कोले रख दिओ भी जबान अगे तो बोले ही ना सड़ जाए जिहड़ी कहिंदी है आ रब है रब जन्म लैके आ गया तो यह अर्थ ही हो गया जे रब ने जन्म लिया तो धरती ते लिया होएगा मां की कुखों लिया होएगा जे रब हुण जन्म लै रहा फिर वो मां किहदे आसरे जीवन जिउंदी सी किहड़ी ये धरती किहदे आसरे ते चलदी सी धरती किहदे आसरे चलदी वह तो है पी होसी जाए ना जासी उहदा ते जन्म ही नहीं होया वो जाएगा कित्थों भगत कबीर जी ने किन्नी कमाल की गल कही बल तिस बाप है बल तिस बाप है मैं अपने बापू तो बलिहार जाना हाँ बल तिस बाप है जिन हो जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया वेखो बापू का रोल की हुंदा भला जिंदगी च माड़े बंदियां तो बापू अपने पुत नूं बचा के रखदा भी उन्हां उन्हां दे कोल ना जाई ये मेरा तजर्बा है बापू कहिंदा बापू का इहो रोल है ना सियाणे बापू का कहिंदा बहुते बापू तो कई बार पुठी मत भी आप ही देंदे ने आप ही बह के पीते ने भी लै अज मैं शराब पाई तू पानी पी मेरे नाल बह के तेनू भी आदत पै जानी किदां दे घरां च बैठे सुन दे किदां दे बाप होणगे माफ करना जिम्मेवारी नहीं ना समझ सके बाप की कोई जिम्मेवारी होंदी है जिहड़ा बुरियां कामां तो पुत नूं बचा के रखे तो जिहड़ा आप ही नाल बह के पीण लग पे आप ही क्लब लै जाए आप ही पब लै जाए आप ही गंदियां फिल्मां विखाउण तुर पै फिर होर जो कुछ मर्जी कहो उस ठीक है कि शरीरां दे समेल नाल बच्चे पैदा हो गए ने बाप दीआं जिम्मेवारियां ते नहीं ना समझियां कि बाप का फर्ज की हुंदा बाप की जिम्मेवारी ये है बल तिस बाप है जे न हो जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया बापू का रोल यह है कि जेडे पांच वकार जिंदगी तबाह कर दे उन्हां नालों मेरा नाता ही तोड़ दिता उन्हां कोलों मैनू बचा लिया पंचा ते मेरा संग चुकाया पंच मार पंजां नूं मार के पावां तल दीने पैरां दे थले सुट दिते हर सिमरन मेरा मन तन पीने पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना पिता हमारो वड गुसाई पिता साडा सब तो वड्डा जिहदा कोई मुकाबला नहीं कर सकता अकाल पुरख पिता हमारो वड गुसाई बाबा कबीर जी कहिंदे लोक मैनूं पुछदे भी एडे वड्डे पिता नाल तूं किवें सांझ पा ले तूं ते छोटा जिहा बंदा एडे वड्डे पिता दे नाल किवें सांझ पा ली पुछदे ने ना लोक भी वड्डे आगू दे नाल इक सधारण जिहा बंदा जाके बह जाए लोक पुछदे भी उत्थे ते वड्डे वड्डियां दी नहीं चलदी तैनूं किवें बहिण नूं थां मिल गया उत्थे बाबा कबीर जी कहिंदे लोक मैनूं सवाल पुछण लग पए समुची कायनात दा होवे मालक रब ते बाबा कबीर तूं कहिंदा मेरा पिता है ते मैं उहदे नाल सांझ पा ली
ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਈ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵੱਡ ਗੁਸਾਈ, ਤਿਸ ਪਿਤਾ ਪੈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਬਬੇਕੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ! ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਓ। ਬੈਠੇ ਆਪ ਨੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੀ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਉਣੀ, ਆ ਬੈਠੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ? ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥ, ਇੰਨੀ ਖੁਦਗਰਜੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੇਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ? ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ,
शब्द ज्ञान दिता, विचार दिती ही। बाबा कबीर जी वर्गे योधे ने आख्या, सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया। सतगुरु जी मिले ता मार्ग दिस पिया, मैनू रस्ता दिस पिया। मैनू जगत पिता मेरे मन पाया। असी गुरबाणी च पढ़िया भी समुची कायनात नू पालदा पिया एक परमात्मा, पर जिन्हां ने शरीरां नू गुरु धारण किया वह भी कहिंदे भी जगत नू पालदा पिया है। रब जाने बई भी जगत नू पालदा, फिर जगत छोटा जिहा होना उन्हां दे मुताबक। तां उन्हां दे जगत विच बाहरलियां कंट्रियां बाकी ना आउंदियां होणगियां, पर जिस ज्ञान की गल गुरु ग्रंथ साहिब ने की उस विच समुची कायनात आउंदी है। जल भी आउंदा है, थल भी आउंदा है, महीअल भी आउंदा है, सब कुछ ही आउंदा उस विच। तां जगत पिता मेरे मन पाया। हुण माण ना कहिंदे ने बाबा कबीर जी, कोई झिझक नहीं कहण विच, हुण माण ना कहिंदे ने, हां पूत तेरा तू बाप मेरा, पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलया हरना, मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा। हुण मन विजया गया ते माण ना कहिंदे बाबा कबीर जी, एक बार आपां भी कह दीए, हां पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठार, ठार दा अर्थ है स्थान, जगह एको ही है, एक ठार दोहां बसेरा। हुण प्यो पुत इक्के घर च रहण लग पए, प्यो परमात्मा पुत्र बाबा कबीर जी कहिंदे ने मैं, असी प्यो पुत इक्के घर च रहिंदे हां, घर वखरा वखरा नहीं रहा हुण। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पहे है कोई न सके पुछानी। रू बखरा कोई रहा ही नहीं, एक ही हो गया। हां पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठार दोहा बसेरा, कहो कबीर जाने को बुझेया। कबीर जी कहते जन ने एक नू बुझ लिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझेया, गुरु की कृपा ना मैनू समझ आ गई, मैं हुण गुरु बदलदा नहीं, थां थां भटकदा नहीं, सानू एक दे लड़ लाया, सारी जिंदगी गुरु बदलदियां लंघ गई, गुरु धारण करदियां लंघ गई। मां ने धारण किया, ओगा पोतरे तक आउंदिया आउंदिया वह मर गया, फिर पोतरे नूं लभना पिया, पोतरे ने अगे अपने पोतरे तक आउंदिया आउंदिया फिर मर गया, नवे लभदे रहे ना, तो फिर तुलना करते ने, कई संसार के गद्दीदार तुलना भी करते ने। पहले बाबे वाली गल इस बाबे च नहीं हैगी जी, किदां होएगी भले हो एक जोत थोड़ा हैगी है। इत्थे गुरु नानक साहब जी दे कोल भी बाबा बुढ़ा जी रहे, इत्थे गुरु अंगद साहब दे कोल भी बाबा बुढ़ा जी रहे, इत्थे गुरु अमरदास महाराज दे कोल भी बाबा बुढ़ा जी रहे, इत्थे गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब, गुरु हरगोबिंद पातशाह तक बाबा बुढ़ा जी रहे। किसे सिख ने तुलना नहीं की कि पहले गुरु वाली गल दूसरे च नहीं, दूसरे वाली तीसरे च नहीं, क्यों? क्योंकि जोत वहा जुगत साए सह काया फिर पलट गया है। पर संसार के गद्दीदारा च तुलना हुई, कहते हुण पहले बाबे वाली गल नहीं रही जी, पहला तो बड़ा चंगा सी, यह तो ठगिया ठुगिया वाले भी लागे लाई जाता है, ये तो दो नंबर की कमाई वाले भी अपने डेरे च वाड़ी जाता है, ये तो सारे नाल एक घ्यो खिचड़ी होया फिरदा है, फिर एक मरदा है उतों अगे तीन गद्दियां चलदियां ने, फिर वो तीन फिर बह जाते हैं, वह मरदा फिर उतों चार चल पैंदियां ने, जिवें दरख्त की एक टाणी लाओ, गुलाब की कलम लाई है ना, शाखावां वधदियां जांदियां ने, इहदा अंत कोई नहीं आउणा, तुहानूं करना पैणा पागां वाले अंत। दुकान बंद करन दा सौखा तरीका है, गाहक एक दे कोल आउणा शुरू कर देवे, बड़ा सौखा तरीका है। दुकाना उदों भी सी, अज भी सी, वापस परते आओ, गुरु दे लड़ लग जाइए, सानूं समझ आ जाएगी। मैं एक उदाहरण दिना हुन्ना, अक्सर जिथे करियाने वाली दुकान उत्थे वीर पाउंदा ने, जिथे चार टब्बर रहिंदे होण, गली विच चंगे लोग रहिंदे होण, उत्थे दुकान पाई जांदी भी, दुकान पाउण तों पहलां बंदा सोचदा भी मेरी इत्थे दुकान चलेगी भी, दुकान पाउण तों पहलां बंदा उत्थे मार्केटिंग करदा भी इत्थों दे किदां दे लोग ने, मेरा जो समान दी मैं दुकान पाउणी, मेरा समान विकेगा भी, जे गाहक ना आउण कई वारी उहनूं दो महीनिआं बाद दुकान दी जगह चेंज करनी पैंदी है, बिजनेस भी चेंज करना पैंदा।
जे किसी ने सीमेंट सरिए बजरी की दुकान पाई है, वड्डा स्टोर खोलिया होया है, थोड़े क चिर बाद जो माल नहीं विकया, उन्हें कहा भी इतने गाहक इन्ने नहीं है, लोग होर कित माल ले आते हैं। अर्थ जरा वेचण वाला वह भी गाहक वेख के दुकान पाँदा भी कितने मेरी विक्री वध होनी है। किसे पिंड दे बार बार जे ज्योतिषी पांदे दी हाथ वेखण वाले की दुकान है, इतों यह पता लगता कि इस पिंड वहमी लोग भी है ने जिन्हों वहम हैगा, ता ही दुकान चलती है, ता ही वो दुकान का किराया भी निकलता है, सारी दिहाड़ी दुकान च पखा ए सी कूलर कुछ ना कुछ तो चलता होएगा, कुछ ना कुछ तो चल। हुण डॉक्टर भी उत्थे दुकान पाँदा जिथे पता भी इत्थे मेरे को गाहकां ने आ जाना है, इत्थे मेरे को इलाज कराउण वाले आउणगे, ते उस दुकान नूं बंद कराउण दा की तरीका है? भी सारा पिंड कवे असी वहम नहीं करना, हुण बिल्ली रस्ता कट जाए कोई वहम नहीं। हुण संगरांद नूं भी वहम बनाया कईआं ने, जे संगरांद वाले दिन गुरुद्वारे ना गए कई मावां कहणगीआं पिंडां च, पुत अज तां मत्था टेकिआ? वो पुत पुछदा क्यों माँ? कहती पुत अज मत्था टेक गया, 29 दिन आज ही लगनी है तेरी। माँ मेरा सवाल है, एक प्रचारक होने के नाते पुत नूं आपां 30 दिन स्कूले भेजते हैं? कोई ऐसा स्कूल है जिथे सिर्फ साल च 12 दिन भेजिए तो बाकी सारे दिन उत्थे हाजरी लग जाए? पर सिखी का स्कूल ऐसा माँ ने बना ले। उठ उठ पुत, मूँह धो के टल जा, नहीं गल बननी दी, जो पानी तो डर आता है तो माँ भेजती है। मैं ये नहीं कहता कि रोक रहा है, पर मैं कहना मच्छी नूं कोई कवे सलाह देवे कि तू ऐ कर, एक दिन पानी चल जा, 29 दिन तेरा सर जाना पानी तो बिना भी, मच्छी सलाह मनेगी? ना भौरे ने मननी, मैं मंगलाचरण यो पढ़िया सी ना, ना भौरे ने गल मननी, ना बबीहे ने गल मननी है, पर अजोका सिख खाने वाला मन गया। ये वहम किन्ने जुड़े भी जरा महीना सुनना है ना, महीने का नाम बीबी के हथों नहीं सुनना। घर च कोई बंदा आवे वो सानू सुना दे अज कि महीना चढ़िया, उन्हें कहना पोह दा, नाल ही कहना सतनाम श्री वाहगुरु। गल बन गई, बस इन्नी च गल बन गई, शब्द कित्थे गया? मतलब पोह दा महीना ही सी, बस ये ही गल बन जानी सी। दवाई खानी पैनी है, कल्ली सीसी कर ले आया, खाली पत्ते ले आया गल नहीं बननी। तुसी कल्ले पत्ते कर ले आओ दवाई दे, खाली सीसी चौके कर ले आओ दवाई लियानी पैनी है, उन्हें टाइम ना खाना पैना है। पर किन्ने वहम जुड़ गए, पैसे देने उन्ना कहते अज रात नूं देओ सवेरे महीना चढ़ जाना, कहते क्यों? कहते जे अज पैसे दिते ना महीने ही देंदे रहना आपां। हुण मैं सवाल करदा, जे महीने वाले दिन किसी का जन्म हो पवे फिर तो महीना ही जन्म होएगा वह, जे कहती महीने वाले दिन डैथ हो जाए लो हुण महीना ही मरेगा, महीने वाले दिन वह संस्कार किया महीने ही संस्कार होएगा। किन्ने वहम ने, कई बीमार होंगे इंजैक्शन लगा नहीं जाते, दवाई लैन जाते, कहते अज चले गए ना महीना ही नहीं खड़ा छड़ना डॉक्टर ने साडा। किन्ने वहम ने, ना वहम करो भले, हो क्यों वहम कर दे जे? तो फिर तो जिन्हें लैने ने वो तो बड़ा खुश होएगा भी अज ही देना ही मैनू, महीना मेरे घरों पैसा मुके ही ना। फिर तो गड्डिया तेल भी नहीं पाना चाहिए अज के दिन च, डकते हो ना महीना ही पाते रहना पैना सानू। अज पेंचर होगी गड्डी, पेंचर ना लवायो, नहीं तो महीना ही पेंचर लवाना पैना है। तो जो पेंचर लाने वाला वो कहेगा भी महाराज अज दबदा पेंचर लावा, महीना ही पेंचर इदा लगे दे रहन लोगों की, मेरी दुकान चलती केदी केदी रब मने जी, असी तो अपने मुताबिक रब न तोरना चाहते हैं। बाणी पूछे सोई दिन सुसुहावड़ा, अज गुरु नु पूछ लो फिर, सोई दिन सुसुहावड़ा जित प्रभ आवै चित, जिदन तुहानू सच चेते आउंदा है उदन तुहाडे वास्ते दिन चंगा है, जिदन तुहाडे अंदर चंगयाई जन्म लैंदी है वह दिन चंगा है। जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत, ओ रुत भी माड़ी है दिन भी माड़ा है जिदन तुहानू रब दी विचार भुल गई, जिदन परमेशर जी भुल गए। किन्ने वहम पाए, तो पिंडां विच भाई बोलदे ने साह संग जी सवेरे संगरांद का पवित्र दिहाड़ा, पवित्र दिहाड़ा, तो जे कोई पूछे भी बाकी किन्ने, उदा ही नहीं आई गई है, फिर स्पैशल दे करवानी उदन ना बोलिया जाना, कितने चले गए जी असी? आ साहबजाद्या के शहीदी पुरब चेते, मैं 19 दिनी कनेडा सी, मैं अखी वेख्या टैक्स मैसेज किते सिखा ने, उत्थे भी लाइव सुन रहे होंगे क्योंकि मैं गल कहन तो झिझकदा नहीं, उत्थे टैक्स मैसेज किते सिख फैमलिया ने क्रिसमस डे दे, पर मैं क्या भलिओ इस महीने च वड्डे छोटे साहबजाद्या का शहीदी पुरब है, कोई ये भी मैसेज कर दिया करो। इन्नी किरत घंटा,
इन्नी आसान फरामोशी कि मनुख धनवाद करना भी भुल गया। दूजियां तो आसां लाउंदे आ सी कि कोई धनवाद करे साडे बापू दा, पुत ने नहीं कीता दूजा कित्थों करेगा। सिख तो सिखा तेरे पुत्र दे आनंद कार्ज विच अरदास च लफ्ज शामिल होना चाहिए, अपने मनो कर दाता तेरे पुत्र अजीत सिंह दे आनंद कार्ज कराउण दा वक्त सी। दाता तू मैनू मौका दिता, मैं अपने पुत्र की बरात लेके जा रहा, मैनू ताकत बख्शी कि मेरे पुत्र की बरात विचों तेनू अपने अजीत सिंह की बरात दियां चलकारां पैण। ये अरदास की, पर तू तो इन्ना दूर जा चुका है, तेनू पता जे अरदास करनी पई तो शराब नहीं पीती जानी, भंगड़े नहीं पाए जाने, फिर कीर्तन करवाना पैना है, ढाडी सदने पैने ने, बाणी की व्याख्या कर सदने पैने ने, गुरमत की गल करवानी पैनी है। तू तो दूरी बधाने लिए तो अरदास बोल ही ना शामिल किए, कठोरता आ गई जीवन में, जीवन पासे चला गया। जीवन को खूबसूरत बनाने वास्ते सच्चाई के नाल जुड़ना पवेगा, अपना संबंध कायम करना पवेगा, ताई गल बनेगी ना। पातशाह ने अपने बच्चे कुरबान किए ने साडे तो, ते मान ना क्या इन पुत्रन के सीस पर हर सिख दे घर विच ए लिख के उहदे बैडरूम ड्राइंग रूम च ए पट्टी दीवार ते लटकनी चाहीदी है, ताकि उठदियां बहिंदियां मां पुत्र नूं कह सके पुत्र ये किहदे वास्ते है, तेरे वास्ते। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत। उन्हें हजारों की शुरुआत कितों करनी अपने तो, मुकसर दे लागे एक निका जा पिंड है। दास नूं फोन आया, उस वीर ने जो गल दसी अज लाइव भी वह वीर सुन रहा होगा, नाई का काम करता सी वाल कटन का। कहिंदा 2003 तो मैं दुकान आरंभ की वाल कटन की, मेरा काम ये 2003 तो लैके 2009 तक लगातार ये काम किया। एक दिन बंगला साहब तो कथा आ रही, साढ़े पिंड का गुरुद्वारे साहब का भाई कथा सुन रहा, तो मैं दुध लैन गया तो उन्हें मैं बिठा लिया। ये उसकी जबानी है, अज भी सुन रहा होगा मैं मोबाइल। जगजीत सिंह उसका नाम है, मुकसर दे लागे पिंड है। वह वीर कहता कहता मैं भाई साहब के कोल बैठ गया, भाई साहब कथा सुन रहे थे, साहबजादों का साका चलिया, शहीदी की गल चली। कहते मैं दुकान तो खोल ली, सारा दिन किसी के वाल नहीं कटे। अज अगले दिन दुकान खोली नहीं, पत्नी पुछदी आप बच्चों का की करांगे, भुखे मर जाएंगे। कहिंदा पागां वालीए, जिस गुरु ने अपने बच्चे कुरबान किए ने, सिखी असूलों का समझौता नहीं किया, मैं हुण केस कतल करके अपने बच्चे नहीं पालने। अज वो की काम करता यह भी मैं दसना चाहुंदा। अज लोगों दीआं कोठियां घर रंग करके, कहिंदा वीर जी भावें वाल कटियां पैसे ज्यादा बनते सन, केस कतल कराया कीतियां पैसे ज्यादा बनते सन, पर जदों अज मैं लोगों दीआं कोठियां च रंग करदा भावें पैसे घट बनते ने, पर रात नूं नींद इंज आउंदी है जिवें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे गोद विच पिया होवां। मैं वाल कटण वाला धंधा बंद कर दिता है, बंद कर दिता है, हुण मैं केस कतल नहीं करदा। करदी ते दूर दी गल है, आप भी नहीं करदा, आप भी साबित सूरत हो गया हाँ। पगां वाले हो, मैं कहना एक भी भुलिया होया भटकया होया कुराए पिया होया वापस परत के आ जाए। साढ़े वड़े वड़े बनाए गुरपुरब, लाए हुए लंगर, कीतियां हुई सेवावां प्रवान हो जाएगियां। तो ऐसा इंसान जदों अपने मनों अंदर इधर आउंदा है ना, ऐसे इंसान नूं को वड़े तो वड़ा लालच भी देवे तो सिखी सड़ के पासे नहीं जाएगा। आ जड़े दर दर ते तुरन वाले, चार उत्थे क्रिश्चन बन गए, चार उत्थे ईसाई बन गए। तो मैं उदाहरण दिना उन्ना अक्सर जेडे अज तुहाडे वल आ गए ने, रहना इन्हां तुहाडे कोल भी नहीं, क्योंकि ऐसे बंदियां दा कोई दीन मजहब नहीं होया करदा। जिथों रोटी पई उधर नूं तुर पैना है। जदों अंदरों भुख लगती है ना, मनुख अपना आप भी त्याग दिंदा है। माधोदास वैरागी वर्गे योधे नूं लालच दे के गुरु पातशाह ने इधर नहीं लियांदा, सगों सीन विखाया। माधोदास तेरे डेरे विच बकरे वड्डे गए, तेनू खून दिखाई दिता, तेनू लगा बड़ा पाप हो गया, आ तेनू पंजाब की धरती विखाइए जिसे चप्पे चप्पे ते खून डुले है। बंदा सिंह बहादुर दियां अखां लाल हो गई है, बुल फड़के ने, शरीर एक बार फुरती च आया है। गुरु पातशाह ने नाल पंज प्यारे दिते ने, नाल सिख दिते ने, पंजाब की धरती नूं तोरे है, बादशाह बने है। ऐसे लाज दे के लियांदा हुंदा ते शायद डोल जांदे, लाल दे के नहीं लिया, सीन पहला विखा दिता। ऐसा हो सकता है
सिख राज कायम करदियां करदियां अपने बच्चे का दिल कढ़वा के भी वह योधा अपने मुंह च पवा गया, पर सिखी नूं बेदावा तक नहीं दिता। जिहड़ा लालच वस आउंदा है ना, उहनूं जिधरों लालच वड्डा मिलेगा उधर चला जाएगा। बाणी का फैसला है, फरीदा जां लब तां नेहे किया, लब तां कूड़ा ने किचर चत लंघाई है, छप्पर टुटै में। कहिंदे लोभ दे उपर खलोता होया प्यार पता किदां हुंदा, जिवें कखां दी छन थले बंदा बैठा होवे, उपरों मीह पै रिहा होवे, कहिंदे ज्यादी देर शरीर नहीं बचा सकदा अपना। तू जिहड़ा पति अज विआह वाले दिन ही दाज मंगदा ना, मेरी भैणे जवाब दे दे अज ही, ये तो तेनू सुख ते मिलना कोई नहीं, अज ही जवाब दे दे मेरी भैणे, गुरु दी लाडली बच्चिए युरत कर, अज ही जवाब दे दे। जिहड़ा अज लालच विखा रहा है सुखी नहीं होने वाली इस घर में जाके, युरत करनी पैनी है तुहानू, अपने घरां चों निकलना पैना है। जदों असी आप ही शुरुआत करदे हां गलत रस्ते समाज तुर पैंदा है, समाजिक बुराइयां नूं असी आप लोगों ने जन्म दिता है, इहदे विचों कढेगा कौन सानू आप। ते मैं आम बेनती करदा हुंना, जदों अमीर बंदा जदों लखां रुपया ला के अपनी धी दी डोली तोरदा है, गरीब बंदा सोचदा इन्ने पैसे तो मेरे को होने ही नहीं, इन्ने पैसे तो मैं कभी भी नहीं इकट्ठे कर सकता, फिर जन्म तो पहला मारन दियां तैयारियां शुरू कर देंगे ने लोग। पगां वाले सानू सोहणे समाज की सिरजना करन वास्ते योगदान अपना अपना पाउणा पवेगा, जिथे भी बैठे हाँ, जिथे भी बैठे हाँ सानू सोहणे समाज नूं बनाउण वास्ते अपना अपना योगदान, जिथे भी बैठे हाँ अपना योगदान पाओ। वह तां पै सकदा जे विचार एक होण ते मन की कठोरता दूर जाए, यो गल गुरु अर्जन साहब ने अज कही है। पोख तुखार ना व्यापई, कोरापन नहीं व्यापदा, कठोरता निकल जाती है, बर्फ पानी का रूप बन जाता है, सोहना जीवन बन गया। कंठ मिलिया हारना, हिरदे दे विच गुरु की विचार आण के दे गई, खसम दे नाल सांझ पै गई। मन बेदया चरना रबिंद, मन विज गया चरणा दे विच उस परमात्मा दे, दर्शन लगड़ा सा। जे आप इनू सस्से दे पैर च बिंदी ला के शाह पढ़ांगे तो शाहूकार बन जाएगा, जिवें सज्जन सच्चा पात शाह, उत्थे शाह आएगा पैर च बिंदी, इत्थे सा साध अर्थ है सवास, जो असीं सवास लै रहे हां। दर्शन दर्शन लगड़ा सा पाव एक रस, निरंतर परमात्मा दे दर्शनां दी चेतक लग गई, क्योंकि मन जो विजया गया। ओट गोविंद गोपाल राय, फिर अपनी जिंदगी च ओट उस गोविंद दी, जिहड़ा गोदार ते धरती, बिंददार ते मालक, धरती दा मालक गोपाल, पालदार ते पालन वाला, गोदार ते धरती जिहड़ा समुची धरती नूं पालन वाला है। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला, उन्हें स्वामी दी सेवा दा लाभ प्राप्त कर लिया। बिखिया पो न सकई, उन्हें इन्ना विश्वास आ गया, बिखिया पो न सकई, उन्हें हुण बिख जिहड़ी है यार जिहड़ी है पो नहीं सकती, यार उन्हें कुछ नहीं कह सकती। बिखिया पो न सकई क्यों, मिल साधु गुण गा, उन्हें साधु नूं मिल के गुण गाने शुरू कर दते। इत्थे साधु कौन है जी, एक बार सारे कह दो धन श्री गुरु, सारे उच्ची कहो जी धन श्री गुरु। इत्थे साधु है गुरु शब्द, किसी बंदिया मगर ना तुर पो, नहीं तो इन्होंने शब्दों की व्याख्या जो डेर च होंगी है ना, वो कहते बड़े टिकाने आए हो। मिल साधु गुण गा, एह लभदे फिरदे सी, तुहानू लभ गया साध संगत जी, तो जे को सवाल कर दे जी ये तो भड़के मर जाना, फिर नवा साधु लियावांगे। फिर उस साधु दे लड़ लगो, जिहड़ा साधु कदी जांदा नहीं हमेशा सदीव काल है। मैं मां साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट आगहारे निर्मल पहचीता, बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय, वडे पाग पेटे गुरुदेवा, कोट पराद मिटे हर सेवा, चरण कमल जा का मन रापे, सोग अगन तिस जन ना व्यापे, सागर तरिया साधु संगे, सागर तरिया साधु संगे। ते ओ साधु सागर नूं तराएगा ना, जिहड़ा आप तरना जानदा, जिहड़ा आप ही बेचारा डुब्बा अद्धा कु पानी मूंह च पिया, तुहानूं कित्थों तरेगा।
डुबदा भी कदी तारदा वेख्या सागर तरिया साधु संगे जिहड़ा आप तरदा दूजियां नूं भी तारेगा नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु का बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तार सागर तरिया साधु संगे बिखिया पो न सकई मिल साधु गुण गा गुण गाउंदिया गाउंदिया की होया जी जह ते उपजी पानी जिथों तुरिया सी बर्फ बन ली सूर दियां किरणां पईयां वापस चला गया ना उत्थे जह ते उपजी तह मिली ये जीव जिथों आया सी जेड़े गुणा नूं लैके जम्मिया सी जेड़ा सुभा जेड़ा जेड़ियां आदतां लैके जम्मिया सी वापस परमात्मा वालियां आदतां जीवन च आ गईयां वह गुण आ गए क्योंकि गुरु ने सिख्या दित्ती ना जहां ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा ओ सच्ची प्रीत विच एक मिक हो गया कर गहली नी पार ब्रह्म कर दारते हाथ हुण पार ब्रह्म ने आप हाथ फड़िया वेखो हाथ फड़न ते फड़ाउन च एक फर्क हुंदा है भागां वाले तवज्जो दे के सुनना जे बापू जिहड़ा है ओदी बांह पुत ने फड़ी होवे ते की होएगा भला तुरिया तुरिया जांदिया चिक्कड़ आउणा है पुत दा पैर चिक्कड़ च पै जाणा है हाथ बच्चे कोलों सुट जाणा है ते जे बापू ने फड़ी होएगी बांह जदों चिक्कड़ आउणा है बच्चे दे डिगण तों पहलां बापू ने चुके गोदी ला लैणा है असीं बांह फड़ाउंदे नहीं फड़दे हाँ ते फड़न विच इक फर्क हुंदा चलाकी हुंदी है जदों मर्जी फड़ लो जदों मर्जी छड़ दिओ इदां हुंदा जदों पुत्तर दा विआह उदन छड़ दिओ जदों वो घर च डैथ हो गई उदन फड़ लवांगे बांह इदां हुंदा उदों बांह फड़िया सरना नहीं ना हुण जदों घर च विआह शादी उदों बांह फड़िया सरना नहीं उदों पता कि गुरु ने मन मर्जी नहीं करन देनी स्वार्थी बिरती है अपनी मर्जी नाल बांह छड़ लो अपनी मर्जी नाल बांह फड़ लो इत्थे किन्नी प्यारी गल कीती घर गहलीनी बांह फड़ ली पार ब्रह्म बहुड़ ना विछड़िया हुण बाद विच विछड़े नहीं क्योंकि बांह आप फड़ के नाल जोड़े बार जाओ लख बेरिया वारे जाना हाँ ऐसे गुरु तो लखा वार परमात्मा तो हर सज्जन अगम अगा उजड़ा अगम परमात्मा अगा डूंगे जिगरे वाला जिहड़ा साडी पहुंच तो परे है उस तो मैं बलिहार जाना हाँ शर्म पई नारायण नानक दर पईया मालक नू अपने दर ते डिगया होया दी लाज रखनी पई क्योंकि सुभा है ना उसका पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह कह लगे उहदा सारा जीवन सुखां नाल भर गया किसना जिने उस बेपरवाह परमात्मा नाल सांझ पा ली बेपरवाह ते लापरवाह दोवां च जमीन असमान दा अंतर है सौखा जिहा कर लीए लापरवाही अवगुण है बेपरवाह गुण है गुरु अर्जन साहब बेपरवाह ने तत्ती तवी ते बैठियां भी परवाह नहीं कीती जहांगीर दी ते जहांगीर लापरवाह है बादशाह बन गया पर बादशाह दियां जिम्मेवारियां दा नहीं पता लापरवाही पता की हुंदी है बाप ने बच्चे ते पैदा कर दिते पर लापरवाह इन्ना पता ही नहीं कि उन्हां नूं सांभणा किवें मां किड्डी लापरवाह है बच्चियां नूं सांभिया नहीं सिक्ख्या नहीं दित्ती संस्कार नहीं दित्ते लापरवाही दादे दी मां दी दादी दी आगू दी लापरवाही बेपरवाह गुण है बेपरवाह दा अर्थ है तुरे जाओ अपने रस्ते तो संसार दे बंदियां दी परवाह ना करो क्योंकि बेपरवाह ना सांझ पै के सुरत उची हो जाएगी विशालता जीवन च आएगी परमात्मा कृपा करे ऐसे गुरु तो बलिहार जाइए जिस विच इन्ने गुण इन्निया बख्शां ने जिहड़ा सानू पुल्लियां नू पटकियां नू कुराए पियां नू जिंदगी दा सही रस्ता विखाउंदे हन पूले मार्ग जिने बताया पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया पूले मार्ग जिने बताया पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया
सतगुरु जी कृपा करन कोटान कोट शुकराना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का 6 दिन लगातार गुरु शब्द की विचार करन दा जो समा प्राप्त होया सी अज समाप्त है। कोटान कोट शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब जी का। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मीडिया वाले वीर जिन्हां दे इस उपराले सदका देश विदेश हर जगह पर बैठी संगत गुरु शब्द की विचार पाठ कीर्तन नाल जुड़ते हैं, समुची संगत का धन्यवाद। सतगुरु महाराज कृपा करन बाणी की विचार साड़ी जिंदगी का आधार बन सके। अदब सत्कार ना सारी संगत फतेह बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।